प्रधानमंत्री जी तो मोदी जी ही बनने वाले हैं। अंतिम चरण के चुनाव से पहले बीजेपी ने बिहार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को भभुआ के जगजीवन स्टेडियम में आयोजित चुनावी सभा में लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में गृह मंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनने वाले हैं, लेकिन आप बताओ अगर घमंडिया गठबंधन जीतता है तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? शरद पवार, ममता बनर्जी, लालू यादव बन सकते हैं क्या? राहुल बाबा प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? जब पत्रकारों ने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा बारी बारी से प्रधानमंत्री बनेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि कल 6 चरण के चुनाव हो गए, मेरे पास 5 चरणों की रिपोर्ट है। 5 चरण में ही पीएम मोदी 310 सीटें जीतकर सरकार बनाने का काम करेंगे। 6ठे और 7वें चरण में 400 पार हो जाएगा। वह कहते हैं कि पीएम मोदी ने पिछड़ों के लिए काम किया है और बिहार की विभूति कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर पिछड़े समाज को सम्मान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 10 साल तक लालू जी आपने बिहार को क्या दिया? 10 साल तक यूपीए सरकार ने बिहार को सिर्फ 2,80,000 करोड़ दिया, वहीं 10 साल में पीएम मोदी ने देश को 14,23,000 करोड़ दिया। अमित शाह ने एनडीए सरकार के विकास की योजनाएं भी गिनवाई। भभुआ से रंजीत पटेल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी तो मोदी जी ही बनने वाले हैं, परंतु कैमूर वाले, अरे सुनो सुनो यार, दैनिक बात कर रहे, काहे को जल्दबाजी कर रहे हो? कैमूर वालों मुझे बताओ कि घमंडिया गठबंधन में अगर जीतता है तो उनका प्रधानमंत्री कौन बने? कोई है? मैं एक एक नाम पूछता हूं, आप हां या ना कहो। शरद पवार बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? ये स्टालिन बन सकते हैं क्या? ये लालू जी बन सकते हैं क्या? और अंत में एक नाम बोलता हूं, हंसना मत, हंसना मत, जरा भी मत हंसना, नहीं हंसोगे ना? राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे भाई कोई नहीं बन सकता, वो एक काहे को इतने मचल रहे। जब पत्रकारों ने इनको पूछा कि भाई आपका प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी कौन है, तो उन्होंने कहा बारी बारी एक एक साल हम लोग बन लेंगे। कैमूर वालों, देश ऐसे चल सकता है क्या? मुझे बताओ, ये बारी बारी प्रधानमंत्री की जो फॉर्मूला है वो पाकिस्तान को जड़बा तोड़ जवाब दे सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, दे सकती है? कौन दे सकता है? जोर से बोलो, कौन दे सकता है? आतंकवाद को कौन समाप्त कर सकता है? 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों का भला कौन कर सकता है? नक्सलवाद को कौन समाप्त कर सकता है? चंद्रयान को चंद्र, अरे राहुल बाबा, मैं जगजीवन राम की भूमि से कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम उसको लेकर रहेंगे, लेकर। भाइयों बहनों, जो चुनाव है, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। सोनिया मनमोहन की सरकार चली, बिहार को क्या दिया? 10 साल में यूपीए सरकार ने बिहार को सिर्फ 2,80,000 करोड़ दिया। कैमूर वालों, 2,80,000 करोड़ के सामने नरेंद्र मोदी जी ने 14,23,000 करोड़ रुपया बिहार को देने का काम किया। इतना बड़ा विकास का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं कहकर जाता हूं, जब तक हम देश की पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है,
एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण को हम नहीं हटाने देंगे, नहीं हटाने। ये नरेंद्र मोदी का नाम। भाइयों बहनों, ये दलित समाज के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बातें करी। जब कांग्रेस की सरकार थी, दलित कल्याण के लिए कांग्रेस सरकार का बजट 41,000 करोड़ और नरेंद्र मोदी जी ने 41,000 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 1,65,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।